Hello students, मैं हूँ प्रज्ञा वगोरा एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कूली बाय मुल्क राज आनंद, इसको मुल्क राज आनंद ने 1936 में पब्लिश करवाया था. ये मुल्क राज आनंद के शुरुआती नॉवल्स में से एक है और इम्पॉर्टेंट भी है. राइटर मुल्क राज आनंद ने अपने नॉवल्स में इंडिया के जो गरीब वर्ग थे और उनकी जो गरीबी थी, उनका अमीरों के द्वारा कैसे शोषण किया जाता था, इसके बारे में अधिकतर बताया है. कूली एक पीकारस नॉवल है. पीकारस नॉवल वो होती है, इसका पीकारो शब्द का मतलब होता है समाज से या किसी भी तरीके से जो पीड़ित इंसान होता है उसका समाज के द्वारा शोषण किया जा रहा है. और यह एक गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है, एक पिकारो होता है और उसका समाज उसे पीड़ित करता है. वह व्यक्ति अपने परेशानियों से ग्रसित होता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. कूली जो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है, यह भी एक पिकारस नॉवल है. सो स्टोरी बहुत अच्छी है, लास्ट तक देखना, पूरा देखना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. You don't like it, now you're telling me that I should fight it. Why you be out here playing a victim, when I ain't the one who been crying. Why this shit up, I can't take it. हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव था विलासपुर. यहां पर एक 14 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था मन्नू. वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था. उसके चाचा का नाम है दयाराम और चाची का नाम है गुजरी. उसके जो चाचा है दयाराम, उनमें 10% भी किसी के लिए दया नहीं है. और उसकी जो चाची है गुजरी, वो तो बिल्कुल गई गुजरी है. उनके अंदर अस्तित्व की भावना, मातृत्व की भावना समाप्त हो गई है. मनु वहाँ गाँव में बहुत अच्छा जीवन काट रहा था. उसके जो साथ वाले बच्चे थे उनका मनु लीडर भी बन चुका था. लेकिन मनु की चाची मनु के चाचा से कहती है कि मनु अब बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे हम पर बोझ बनता जा रहा है, तो बेहतर होगा कि आप उसे कोई काम दिलवाओ ताकि वह कुछ पैसे कमा कर लाए, क्योंकि वैसे भी यह घर में पड़ा पड़ा नकारा ही है, कोई काम नहीं करता. मनु अपने चाचा चाची के साथ इसलिए रह रहा था क्योंकि उसके पिता ने कर्जा लिया हुआ था और वे उसे समय से नहीं चुका पाए थे, इसलिए उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी. अब मनु को शहर ले जाया जाएगा. इसके चाचा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया श्याम नगर में काम करते थे और इसके चाचा को अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत गर्व था. इसके चाचा असल में एक चपड़ासी थे. जब मनु को अपने साथ श्याम नगर ले जाया जा रहा था तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसने कभी शहर नहीं देखा था. मनु के मन में लालसा थी कि वह शहर देखेगा. अब यहाँ से उसके चाचा उसे अपने बैंक के क्लर्क नाथूराम के पास ले जाते हैं. नाथूराम के कैरेक्टर की बात करें तो ये अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई कार्य नहीं करते. उनकी बीवी का नाम उत्तम कौर है. चाचा दयाराम क्लर्क नाथूराम से कहते हैं, देखिए आपको एक नौकर की ज़रूरत थी तो मैं इसे ले आया हूँ. तब नाथूराम कहता है कि इसे काम पर रखना है या नहीं, यह तो उत्तम कौर ही डिसाइड करेगी. अब दयाराम मनु को उत्तम कौर के पास ले जाता है. मनु को देखकर उत्तम कौर बहुत खुश हो जाती है. वह उम्र में छोटा था तो उसे लगा कि ये काम के लिए बहुत उपयुक्त होगा और वह पैसे भी कम ले रहा था तो उन्हें लगा कि ये अच्छा है और तुरंत उसे काम पर रख लिया. अब दयाराम उसको छोड़कर चले जाते हैं. अब यहाँ से मनु की नई लाइफ स्टार्ट होती है. बीवी उत्तम कौर उसे कहती है कि हमारे घर में ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हें सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बाज़ार से सामान लाना है, बर्तन धोने हैं. ऐसा कहते कहते वो उसे बहुत सारा काम बता देती है और मनु को एक बोरी दे देती है. उसी पर मनु को रहना होता है, सोना होता है, सब कुछ करना होता है. अब एक दिन घर में अच्छे खाने की खुशबू आ रही होती है तो मनु सोचता है कि उसे खाना दिया जाएगा, पर उसे बासी भोजन दिया जाता है. अब यहाँ से मनु की नई लाइफ है. नाथूराम के घर में उनके दो छोटे भाई, उनका एक छोटा भाई, उनकी दो बेटियाँ और बीवी उत्तम कौर रहती है. अब नाथूराम ने कैशियर मिस्टर इंग्लैंड को डिनर पर बुलाता है और वो इसलिए उन्हें बुलाता है ताकि उन्हें प्रमोशन के लिए मिस्टर इंग्लैंड सिफारिश कर सके. अब उनके आने की तैयारी, घर को अच्छे से सजा दिया जाता है. जब मिसेस उत्तम कौर ने चाइनीज़ का एक क्रॉकरी सेट मंगवाया होता है और वह मनु से कहती है कि जब मिस्टर इंग्लैंड आए तो इसी में चाय नाश्ता लाना ताकि और हमारा स्टैंडर्ड दिखे. अब मनु बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी फॉरेनर को नहीं देखा होता है. वह जैसे ही चाय नाश्ता लेकर जाता है तो मिस्टर इंग्लैंड को देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से वो ट्रे छूट जाती है. मिस्टर इंग्लैंड वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं. उनके सामने तो उत्तम कौर उन्हें कुछ नहीं कहती, पर उनके जाने के बाद मनु की पिटाई होती है. अब यहाँ मनु को अपनी चाची गुजरी की याद आती है कि अगर वो उसे मारती थी तो बाद में प्यार भी करती थी. इसके बाद एक घटना और होती है कि एक दिन मनु को रात में अचानक टॉयलेट जाना होता
है और टॉयलेट घर के बाहर बना हुआ था और घर की चाबी बीवी उत्तम कौर के पास थी। मनु ने सोचा कि अगर वो उत्तम कौर के पास जाएगा चाबी लेने और कोई ऐसी हरकत कर देगा तो नाथू राम और उत्तम कौर नाराज हो जाएंगे। और मनु अपना पेट पकड़ कर घूमता रहा, उसकी हालत ख़राब हो रही थी और उसने वही किचन के बाहर गंदगी कर दी। अब सुबह जब उत्तम कौर उठी और उसने बदबू आई तो उसने मनु की बहुत पिटाई की। अब थोड़े समय बाद घर में खुशी का माहौल होता है। मनु की उम्र की नाथू राम की दोनों बेटियों के साथ मनु खेल रहा होता है और खेलते हुए वो उनकी बेटी के गाल पर काट लेता है। उसके घर में सब उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट समझते हैं और सभी मनु को बहुत मारते हैं। नाथू राम भी मनु को बहुत मारता है, उनकी बीवी उत्तम कौर भी उसे बहुत मारती है और इसी और उन नाथू राम का छोटा भाई भी उसे बहुत मारता है। फिर एक दिन जब मौका अच्छा होता है, कोई मनु पर नज़र नहीं रखे होता, कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब मनु वह घर छोड़कर चुपके से भाग जाता है। अब यहाँ से मनु स्टेशन पहुँचता है और टीसी से बचने के लिए ट्रेन की सीट के नीचे छिप जाता है। उस ट्रेन की सीट के ऊपर एक बकरी जैसे चेहरे वाला आदमी बैठा है जिसका नाम गणपत है। गणपत बहुत क्रूर व्यक्ति है और एक अचार फैक्ट्री का मालिक है। गणपत के साथ उसका एक पार्टनर भी बैठा होता है, प्रभा दयाल, जो दौलतपुर में अचार की फैक्ट्री का मालिक है। अब प्रभा दयाल को ऐसा लगता है कि सीट के नीचे कोई है। वो मन्नू को सीट के नीचे से निकालता है और मन्नू से पूछता है कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो मन्नू अपना परिचय बताने से मना कर देता है और ये कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपनी पहचान बता दी तो वो वापस अपने चाचा चाची के पास छोड़ दिया जाएगा। तब प्रभा दयाल उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। लेकिन मनु कहता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तो प्रभा दयाल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी अचार की फैक्ट्री में काम दे दूंगा और तुम हमारे घर पर रह सकते हो। मनु वहाँ से खुशी खुशी रहने लगता है। वहाँ गणपत द्वारा मनु की दो चार बार पिटाई भी होती है, पर गणपत उसे फैक्ट्री में परेशान भी करता है, पर यहाँ उसे प्रभा दयाल और उसकी पत्नी से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन घटना यहाँ भी घट जाती है। यहाँ यह होता है कि प्रभा दयाल की फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में होती है। वहाँ रहने वाले लोगों ने प्रभा दयाल के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी और प्रभा दयाल की फैक्ट्री बंद हो गई। अब फैक्ट्री बंद होने पर गणपत ने अपना कार्य अलग जमान लिया और प्रभा दयाल के सारे ग्राहकों को तोड़कर अपने साथ जोड़ लेता है। दूसरी तरफ प्रभा दयाल को जेल में भेज दिया जाता है और उसके घर के पालन पोषण के लिए मन्नू एक कूली का कार्य शुरू कर देता है वहाँ पर दौलतपुर में। जब प्रभा दयाल जेल से छूटते हैं तो वो मन्नू पर बोझ नहीं बनना चाहते और वे अपनी पत्नी के साथ अपने गृहशीय गांव, मतलब जहाँ से वो लोग पहले शहर आए थे, वहाँ पर वे दोनों लौट जाते हैं। अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मन्नू वहाँ पर अकेला पड़ जाता है और अकेला पढ़कर जब कभी कभी उसे प्रभा दयाल की और उनकी पत्नी की याद भी आती थी कि कितने प्यार से उन्होंने मन्नू को रखा था। अब जब यहाँ ये बात शुरू हो जाती है तो एक दिन मन्नू इसी तरह इन दोनों को याद करता हुआ सड़क पर घूम रहा होता है तो उसे दिखाई देता है एक मुंबई जा रहा सर्कस का ट्रक जिसमें सामान भरा हुआ होता है। मनु उस ट्रक में बैठ जाता है और वह मुंबई पहुंच जाता है। वहां सड़क पर चल रहा होता है और चलते चलते वहां एक छोटे से बच्चे की जान बचा देता है। दुर्घटना में उसकी जान बच जाता है। वह बच्चा हरिहर नाम के एक मजदूर का बेटा होता है जो एक मिल में कॉटन मिल में काम करता है। हरिहर पूछता है कि तुम कौन हो। मनु फिर वही जवाब देता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब हरिहर कहता है कि तुम हमारी खोली में रह सकते हो। मनु को हरिहर अपनी कॉटन फैक्ट्री में काम भी दिलवा देता है। हरिहर थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है। वह फैक्ट्री से रात को प्यारी बाई के सैलून पर जाता है और एक दिन मनु को भी अपने साथ ले जाता है। जब प्यारी बाई मनु को टच करती है तो मनु को अच्छा नहीं लगता और वह हरिहर के घर वापस चला जाता है। अब यहाँ हरिहर की पत्नी के साथ मनु के फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं, क्योंकि हरिहर की पत्नी मनु को फिजिकली सड्यूस करती है और मनु उस समय खुद को रोक नहीं पाता।
यहाँ भी मनु का शारीरिक शोषण होता है। अब कॉटन फैक्ट्री के वर्कर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, मालिक भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और हरिहर के पालन पोषण के लिए मनु फिर कोली का काम शुरू कर देता है। हरिहर उस पर बर्डन नहीं बनना चाहता और वो अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से भी मनु अकेला पड़ जाता है। अब मनु एक दिन मुंबई की सड़कों पर घूम रहा होता है, एक गाड़ी आती है और वो मनु को टक्कर मार देती है। मनु को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है, तभी गाड़ी के अंदर से एक महिला निकलती है जिनका नाम होता है मिसेस मैन वियरिंग। यह काफ़ी बुल्की वुमन है, भारी भरकम शरीर वाली महिला है और मनु को उठाती है और उसका इलाज करवाती है। और वे भी मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, तब भी मनु यही जवाब देता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह वापस वही अपना परिचय देता है जो उसने पहले दिया था और वे मनु को अपने साथ शिमला ले जाती है। इन्हें शॉपिंग का बहुत शौक होता है। अब ये एक रिक्शा खरीदती है और मनु से उस रिक्शे को चलवाती है। मनु दिन भर रिक्शा चलाता था और रात में ये मनु का शारीरिक शोषण भी करती थी। मतलब अब यहाँ भी मनु के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, लेकिन अब मनु इसका आदि हो चुका था। अब एक दिन मनु की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे टीबी हुआ है। अब यहाँ पर मिसेस मैन वियरिंग उससे मिलने भी आती है, वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मनु अपनी बीमारी से लड़ता हुआ एक दिन मर जाता है। और इसी तरीके से इस कहानी की सैड एंडिंग होती है। आपने देखा होगा मनु की लाइफ में हमेशा से ही कितने स्ट्रगल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको नरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।